गोपी कहाँ? आपके सर पे है मैडम. दुनिया से लगाव ना है? You want to meet God? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं. मैडम मैं गलत क्या कहा मैंने? सही क्या है इसमें? मैडम मैंने कहा कि गोपी आपके सर पे है, मतलब गोपी को आपने सर पे चढ़ा रखा है ना, इसलिए. ऐसा कैसे कह सके तू? मुंह से. मेरे कहने का मतलब है मैडम कि अगर आपने गोपी को सर पे नहीं चढ़ा रखा है तो इतना लेट कैसे आ सकता है वो रोज? कभी भी ड्यूटी पर टाइम पे आया है वो. और आपको पता है मैडम वो ऐसा क्यों करता है? क्यों? क्योंकि जो भी उसकी खता है उसे पता है कि आप उसे माफ कर देंगी, जैसे हमेशा माफ कर देती हैं. मुझे देखिए मैडम, मुझे देखिए. मेरे जैसा आलसी निकम्मा आदमी आप चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. लेकिन ड्यूटी पर मैं टाइम पे आता हूँ मैडम. ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. तू शायद सही कह रहा है, जिंदगी में पहली बार. थैंक यू मैडम, आई अप्रिशिएट. आन दे गोपी के बच्चे को. गोपी को मैडम? उसके बच्चे का क्या कसूर है? सॉरी बैड जोक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. टाइम क्या हो रहा है गोपी? वेल इट्स नौने पौ, आई मीन पौने नौ. तेरी ड्यूटी का क्या टाइम है? वेल 8 बजे. 45 मिनट लेट क्यों आया तू? Oh my God! Really? Oh my God! My watch is not working. She's not well. लगता है नहीं खराब होगी. तारी घड़ी खराब ना हुई है, तारा वक्त खराब चल रहा है गोपी. चौकी आने का मन ना करता? हैं? लेट आने का घना शौक है. चौकी आने की जरूरत ना है कल से, आज से. निकल. What are you sending is the? मैं सेंडिंग हूँ कि तू अपने घर जा, अंग्रेजी फिल्में लगा, अपनी अंग्रेजी पे काम कर. मैं तेने सस्पेंड कर रही हूँ, थारी जरूरत ना है. निकल यहाँ से. प्लीज मॉम, नो दिस वे, नॉट फेयर. गेट आउट प्लीज. गेट आउट. गुलगुले, ये पराठे तुम खा लेना, ये चश्मा भी रख ले तू. अच्छा जी, मैं चलता हूं. कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन. अरे मैडम ये तो सच में चला गया मैडम. हाँ तो जिसको ड्यूटी की कदर ना है मन में, उसकी कदर ना है. और थारे मन में ज्यादा भाईचारा जाग रहा हो तो अपने भाई के संग तू भी निकल. नहीं 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 मैडम, मुझे क्या लेना देना उससे, जाने दीजिए. आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर. जाना जाना. गोपी बाय बाय. एक्सक्यूज मी भाई साहब, भाई साहब नाव डूब गई नैनीताल में. तो यहाँ क्या लेने आए हो? चप्पू? चप्पू नहीं, पप्पू. मैं पप्पू, नाव डूब गई नैनीताल में. मैडम का है मैडम? अरे राउंड पे गई है यार, इतना उत्सुक मत हो. बैठो बैठो जरा बैठो. अरे नहीं नहीं मैं बैठ नहीं सकता हूँ, नाव डूब गई नैनीताल में. अरे यार तुम ए लो, मैडम आ गए. मैडम 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 नाव डूब गई नैनीताल में. तो मैं के गोताखोर हूँ जो मैं गोता लगाऊ नाव को निकाल के लाऊ झील से? अरे नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं मैडम. मैं यहाँ FIR लिखवाने आया हूँ मैडम, नाव डूब गई नैनीताल में. किसके खिलाफ? नौवे के खिलाफ? अरे नहीं नहीं नौवे नहीं मैडम, मैं उस लड़के के खिलाफ FIR लिखवाना चाहता हूँ जिसने मेरी खुशियों का स्कूटर पंचर कर दिया है, चैन और सुकून के ट्रांसफार्मर को फूंक दिया है मैडम, नाव डूब गई नैनीताल में. What is the name is the? बुरा चल रहा है मेरा, टेम is the. गोपी तू ये सब क्या है? चाय का ग्लास और ये चाय वाले के कपड़े, ये सब क्या है? या ब्रो, आई गेटिंग जॉब is the.
इन झलूटी स्टार इज द क्या बात कर रहे है तू गोपी, मतलब अपना ये जो झल्लू चाय वाला है चौकी के बाहर, तू वहां नौकरी कर रहा है? या भाई यो एक काम सही हो गया, यो बढ़िया लग गई नौकरी, एम्प्लॉयमेंट जो है सही लोगों को मिल रहा है देश में। सूट कर रही है यो जॉब तेने, कैरी ऑन है। चाय पिला सबको, चल। मम्मी जी मैनु माफ कर दो जी, मुझे नौकरी पे रख लो मम्मी जी, मैं यही सामने नौकरी करता हूँ झलूटी स्टॉल पे। मम्मी जी मुझे नौकरी पे रख लीजिए मम्मी जी, मैं यही सामने झल्लू चाय वाले के यहाँ काम करता हूँ, आप मुझे एक आवाज देंगी तो मैं फटाक से आ जाऊंगा जी, मुझे नौकरी पे रख लो जी, बस एक आवाज देंगी तो मैं आ जाऊंगा, प्लीज मुझे नौकरी पे रख लो जी। वैसे वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द अभी तो पुलिस वाला ना है, ज्यादा लोगों से उनकी प्रॉब्लम ना पूछ, चल भगिया से निकल, हट हट चल। अरे तुम अपना नाम बोलो। जी मैडम पप्पू प्रतापी, नाव डूब गई नैनीताल में। कहां से हो रहा पप्पू है, किस एंगल से पप्पू हो रहा? अधेड़ उम्र का ओवर बेट अंकल, तोंद वाला ग्रे बाल पप्पू किस एंगल से हो रहा है? अरे मैडम एंगल गया झील के झरोके में, एक लड़का आ गया है धोखे में मैडम। मतलब एक मिनट यार, किस टाइप के धोखे में? देखो जो भी बात है वो जरा खुल के, गला खगार के, बाल सवार के, नजर उतार के मैडम के सामने बोल डालो, सारे राज खोल डालो, वरना एक बार हमारे मैडम के दिमाग का सिक गया पास्ता फिर नहीं बचेगा कोई रास्ता, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की जुल्म की मटरी, मेरा मतलब है अत्याचार की गठरी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, नाव डूब गई नैनीताल में मैडम। दरअसल बात यह है मैडम कि एक जवान लड़का मेरे पीछे पड़ गया मैडम, और कहता है कि मैं उसका बाप। तो तू ना है उसका बाप? अरे मैडम मैं भला उसका बाप कैसे हो सकता हूँ? क्यों भाई, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? अरे भाई भाई साहब देखिए, मैंने जिंदगी में सिर्फ दो ही बार शादी की है, दो ही बार बस। पहली बीवी से मुझे दो बच्चे थे, जो दोनों बच्चे जो है ना वो अमेरिका में सेटल है, और बीवी स्वर्ग में सेटल है। अब जिंदगी के लंबे सफर को काटने के लिए मैंने एक और शादी कर ली कुछ साल पहले ही, और अभी तक उस शादी से कोई बच्चा हुआ नहीं है, नाव डूब गई नैनीताल में। तो बोलो अंडा क्यों कह रहा है कि वो थारा बेटा? पता नहीं मैडम, हर जगह आके मेरे गले लग जाता और पापा पापा कहने लगता है मैडम। और इससे भी बड़ी मुसीबत की बात यह है मैडम कि मेरी बीवी मुझ पे चिढ़ गई है मैडम, उसकी दिमाग की सुई छिड़ गई है मैडम, वो सोचती है कि मैंने उसे झूठ बोला है मैडम, और मेरा किसी तीसरी के साथ टिंचू टिंचू टाए टाए है, जिसका रिजल्ट ये लड़का है। और ये सब कुछ सोच सोच के मैडम मेरी बीवी के दिमाग का शोला भड़का है मैडम, नाव डूब गई नैनीताल में मैडम, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तो हमसे क्या चाह रहा है, हम लौंडे को यहाँ बुलवा के चौकी में हड़काएं उसे? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले मैडम आप मेरी बीवी को यहाँ बुलाइए और उसे समझाइए मैडम कि मुझे घर आने दे। आपको पता है कल रात मैंने रोड पर गुजारी है मैडम, और आज रात मैं रोड में नहीं सोना चाहता हूँ मैडम, नाव डूब गई नैनीताल में, प्लीज बुलाओ इसकी मैसेज ने बुलवाओ दे। आओ चलो तुम्हें फ्री की चाय पिलाता हूँ। अरे फ्री की चाय, आओ आओ। अरे समोसा मिलेगा? अरे सब मिलेगा, उधर सो भी जाना तो। कुछ खाया ही नहीं कल से। आइए आइए। मैडम आपने मुझे बुलाया, मैंने मेकअप किया ही कहाँ है? क्या बात कर रही हैं भाभी जी, आपने मेकअप नहीं किया और मेकअप के बिना आप इतनी खूबसूरत है? मतलब अच्छी बात है, मेकअप नहीं किया तो मेकअप वैसे स्किन के लिए खराब होता है। भैया ऐसा है मैडम, आपको मेकअप करा है कि नहीं करा है या करेंगी इसलिए नहीं बुलाया यहाँ चौकी में? मुझे पता है मैडम कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, ये है मेरे पति, यही आए हैं ना मेरी शिकायत लेके, मैंने मेकअप किया ही कहाँ है?
देखो भाई ऐसा है मैडम, बात यू है कि मानसून सीजन चल रहा है, रेनी है, मौसम बढ़िया वाला हो रहा है। ऐसे मौसम में हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि भाई पकोड़े वकोड़े बनाए, कुछ जो है अन्नू मलिक टाइप गाने रोमांस करें। ऐसे मौसम में तुमने अपने पति को घर से निकाल लिया, रातों को जो है सड़कों पे उसकी रातें कट रही है। अरे मैडम मैं क्या बताऊं, मैडम ये सिर्फ मैं ही जानता हूं कि कल रात बारिश में किस तरह से भीग भीग के मैंने रात गुजारी है मैडम। नाव डूब गई नैनीताल में। तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? मैंने मेकअप किया ही कहाँ है? अरे मैंने कहाँ ऐसा कोई काम किया मैडम, मैं इसको 1000 बार बोल चुका हूँ कि मैं उस लड़के को या उसकी माँ को नहीं जानता हूँ, वो झूठ बोल रहा है, नाव डूब गई नैनीताल में। झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं तुम्हारी दूसरी बीवी हूँ, लेकिन मुझे सब पता चल गया कि मैं तुम्हारी तीसरी बीवी हूँ। भाभी जी चौथी या पांचवी भी हो सकती है, आजकल कुछ कह नहीं सकते। तू और भड़का ले, आग लगा ले, केस तो सॉल्व करना थारे बस की है ना, तू और बुरा कर ले, इसमें मिर्ची लगा दे आंटी को। हेलो बेबी, हाय डूड्स। अबे तू फिर आ गया, निकल यहाँ से, चल भगट हुर। मम्मी जी जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं बार बार ऐसे ही आता रहूंगा। बेशक आपने अपने दिल से मुझे दूर कर दिया हो, लेकिन मैं दूर नहीं गया हूं, बस यही झलू चाय वाले के पास काम करता हूं। आप मुझे जैसी आवाज देंगी मैं वापिस आ जाऊंगा। आप मुझे बुला लीजिए, बुला लीजिए, वरना मैं रो दूंगा, रो दूंगा। चाय वाला डेड। कैरी ऑन। भैया साहब मैडम हमारी बात सुन लो, क्लियर कट। भाई जब तक ये प्रूफ ना हो जावे कि इसका तुम्हारे पति का जो है कोई और पत्नी, कोई और झोल है जिससे कि इसको एक बेटा है, तब तक तुम इसे घर से ना निकालोगी, वो हमारा आर्डर है। और अगर यो प्रूफ हो गया कि भैया यो ही गलती पे है और इसका तो है एक झोल तीसरी बीवी और वो बेटा भी इसका ही है, तो फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात ही ना है, क्योंकि फिर तो भैया इसका इलाज मैं करूंगी, भगवान ने मन ने परफेक्टली बना के भेजा है ऐसे लोगों के लिए। पर मैडम जी ये कब और कैसे पता चलेगा कि वो लड़का इनका बेटा है या नहीं? मैंने मेकअप किया ही कहा है। अरे लगेगा यार, तुम घोड़े पे क्यों हो सवार, जरा पेशेंस रखो, सब पता लगेगा। अरे उस लौंडे को बुलवाएंगे हम चौकी में, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। पुलिस वाले से भीख भीख मांगते, चलो निकलो ऐसे। अबे यू, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और ये चाय लेकर क्या घूम रहे हो? सर दिस इज योर टी इज द प्लीज, टी इज द पी ले। पैसे नहीं लोगे हमसे? नॉट एट ऑल। तो पिला। उसमें क्या है? अच्छा ये बताओ यूनिफॉर्म कहाँ है, नंगू पंगू क्यों घूम रहे हो तुम ऐसे? अबे हमने ऐसा क्या कह दिया कि दिल के हर आंसू में बह गए हैं? सर मुझे मम्मी जी ने नौकरी से निकाल दिया है। इसलिए बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन, मम्मी जी ने नौकरी से निकाल दिया। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। अभी क्या करना, आराम से ऐश करो चारपाई में, एक साइड गर्लफ्रेंड एक साइड बीवी, मजेदार लाइफ। नहीं सर नहीं, मैं बिना चौकी आए, बिना वर्दी पहने, बिना मम्मी जी की डांट खाए और बिना ये बोले वाह व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द बोले बिना रह नहीं सकता जी। आप सिफारिश करो मम्मी जी को, वो मुझे नौकरी पे रख ले। सिफारिश करे तुम्हारी जी? ठीक है, अगर तुम इतना हाथ जोड़ रहे हो, हमारे पैर पड़ रहे हो, तुम सोचते ना पैर पड़ने की जरूरत नहीं, उठो उठो ऊपर उठो, चौका मारते हैं मौका देखकर, चलो सिफारिश करेंगे तुम्हारी। ओके ब्रो। ओके सर। चाय तो पिलाओ, चाय तो पिलाओ, कहाँ जा रहे हो? और सुनो रोज लेके आना चाय। चल निकलो, ए ए ए चल। वो फ्रेंडली हो रहा है हमसे,
चाय लेके आना रोज फ्री। एक मिनट, ये पापा नहीं है, ये पप्पू है। पप्पू? हाँ। पप्पू नहीं, ये पापा है कालिक पोत के। पापा आप कहाँ चले गए थे मुझे और मेरी मम्मी को छोड़ के? सुन लिया मैडम, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तुमने मेरी खुशियाँ लूटी है। मैंने मेकअप किया है कहाँ है? मैडम सुन लिया, ये लड़का चीख चीख के यही कह रहा है कि यही इनका बेटा है। चीखने चिल्लाने से झूठ सच ना हो जावे। बाप से बिछड़े बेटे, नाम बोल अपना। मैडम मैं अनाथ हूँ कालिक पोत के। अनाथ तो तुम हो, नाम क्या है तुम्हारा? नाम? अरे वही तो बता रहा हूँ, देखो ये तो छोड़ के भाग गए थे मुझे और मेरी मम्मी को, तो दुनिया वालों ने मुझे अनाथ अनाथ कह के मेरा नाम ही अनाथ रख दिया कालिक पोत के। देख भाई ऐसा है कि यो एक शरीफ आदमी है, हैं? अब यो जो है जहाँ जावे तू इसके पीछे पीछे इसे पापा पापा कह के लिपट जावे तू। हाँ मतलब तू मम्मी मम्मी कह के इनसे भी तो लिपट सकते हो। मतलब देखो मैडम, मेरा बचपन जल गया, मेरी जवानी भुट्टे की तरह भुन गई ये जानने में कि मेरे पापा कौन है, और जब मेरे पापा सामने खड़े हैं मेरी आंखों के सामने तो मैं कहने गले ना लगाऊं पापा पापा। उधर दूर होके खड़ा। एक मिनट मैडम, मैडम आप इससे पूछिए कि इसके पास क्या सबूत है कि मैं इसका पापा हूं और ये मेरा बेटा है। नाव डूब गई नैनीताल में। अरे नाव डूब गई मेरी माँ की खुशियों की, मेरे मासूम बचपन की, और इसके जिम्मेदार मैडम ये है। अरे भाई एक काम कर, मन ने बता बेटा थारे पास सबूत क्या है? यो थारा डैडी है। हाँ सबूत मैडम, मैडम ये देखिए, ये देखिए, ये इनकी फोटो है मेरी मम्मी के साथ, इनकी शादी की है कालिक पोत के। मैडम बताइए क्या ये सबूत काफी नहीं है? नहीं नहीं मैडम, मैं आपको बताऊं ये गलत है मैडम, ये मेरी फोटो नहीं है मैडम, ये साजिश है, ये मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। नाव डूब गई नैनीताल में, मैं नहीं हूँ ये। तुम तो घर चलो। नहीं, घर जाके तुम्हारी खबर लेती हूँ। मैंने मेकअप किया है कहाँ है? एक मिनट, तीनों निकलो, जरा घर जाके आराम करो, चौकी में आने का फिर मौका मिलेगा हैं? क्योंकि झूठ हमारे सामने टिक ना सके और सच छिप ना सके। बाहर चाय वाले के पास हूँ जी मैं तो। अंदर कैसे आया, ये घुसने कैसे दिया तेने इसे? अरे मैडम अब छोड़िए ना मैडम, अपना ही आदमी है। हर आदमी है तो लहंगा चोली पहन के जो है गठरी लेके रोटी की इसके खेत में आया, इसको खाना खिला, अपना आदमी है। चौकी का हवलदार यो था सस्पेंड हो गया है, और अगर तेने सस्पेंड ना होना है ना तो निकाल बाहर कर इसे। गोपी आउट। गोपी निकल निकल यहाँ से। गोपी निकल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.